हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल सदाम क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का अगला लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 है ये, जिसमें आप लोग को कुछ ऐसे फॉर्मूलाएँ होती है, त्रिकोणमिति अनुपात होती है, जो परीक्षाओं में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है उसका, कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, टेन जीरो का कितना होता है। अब बस आप इसका आंसर सेकेंडों में देंगे, सिर्फ अपने ये 5 उंगलियों पर उन सब जितना भी त्रिकोणमिति लगभग 30 होते हैं उन सबको याद कर लेंगे, 5 उंगलियों पे, है ना। उससे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला देख लीजिए कि देखिए, अगर जब साइन टेन थीटा आता है तो टेन थीटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस सूत्र को याद रखिएगा। अगर कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप लोग जानते हैं कि टेन साइन थीटा कॉस होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉस बटा साइन। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी त्रिकोणमितीय अनुपात होती है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, इन सबको बाद में से प्रूफ भी करा दिया जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे दो और है, टेन 90 माइनस थीटा बटा में कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इस सूत्र के बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 0 से 90 के बीच होता है ना, याद करना होता है 0 90 के बीच त्रिकोणमितीय। अनुपात बहुत सारे लड़के इसको रटते हैं, खूब रटते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग को रटना नहीं है, बस हम लोग को समझना है। देखिए इन 5 उंगलियों पे आपको समझाता हूँ कैसे 0 से 90 में साइन 0 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसके बाद एक फिगर बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे, है ना। मैंने पाँचों अपनी फिंगर 5 उंगलियों पर 0, 30, 45, 60, 90 को सजा दिया है, और एक मैंने ट्रिक बनाया, रूट के अंदर 0 बटा 4, 1 बटा 4, 2 बटा 4, 3 बटा 4, 4 बटा 4। अगर आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं यानी घड़ी की दिशा में, तो साइन थीटा लेना है, और घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कॉस थीटा चलना है। देखिए मैं आपको सारा जो आपके बुकों में एक डाटा बनाया गया है उसको मैं भर देता हूँ, कैसे वो बनाया गया है डाटा और कैसे आपको याद रखना है। देखिए मैं उन सबको इस ट्रिक के माध्यम से भरता हूँ, इधर देखिए सजा देता हूं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही हम लोग को पढ़ना है टेंथ में, और भी डिग्रियां होती है लेकिन नहीं पढ़ना है। यहाँ साइन का हो गया, साइन थीटा का हो गया ना, ये थीटा यहाँ लिख लीजिए, ये कॉस थीटा का हो गया, साइन कॉस हो गया ना दोस्तों। देखिएगा गौर से, साइन कॉस फिर टेन, टेन हो गया। अब आता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, नहीं कॉस का उल्टा नहीं, कॉसेक के बाद सेक आता है, सेक थीटा लिख लिया, और सेक के बाद कॉट थीटा लिख लिया। अब इनका कैसे हम जानेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, तो देखिए 0 डिग्री में क्या लेना है, 0 बटा 4, 0 डिग्री में क्या लेना है, 0 बटा 4। तो आप देखिए अगर 0 डिग्री पे चल रहे हैं, सबका 0 डिग्री पहले भर रहे हैं, तो 0 बटा 4, 0 में 4 से भाग होगा तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो यहाँ से हमको पता चला ना कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ठीक है दोस्तों, अब 0 के बाद आता है 30 डिग्री, तो 30 के बाद क्या चलना है, तो काउंटिंग नंबर 0 बटा 4, उसके बाद क्या चलना है 1 बटा 4। तो देखिए 1 बटा 4 30 डिग्री के लिए है ना, 30 डिग्री के लिए 1 बटा 4, तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 1 बटा 2, तो साइन 30 का मान क्या हुआ, 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, अब दो को बन गया, अब आता है 0, 30, 45, अब पढ़े हैं 0 बटा 4, 1 बटा 4, अब क्या होगा 2 बटा 4। यहाँ भी देखिए फिगर में दर्शा दिया है, 45 डिग्री के लिए लिख लेंगे 2 बटा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है लेकिन 2 का नहीं निकलता है, तो √2, यानी sin 45 का मान 1 बटा √2। ठीक है दोस्तों,
देखिए सारा डब्बा भर देंगे बिना देखे हुए, सब याद रख। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, अब किसका नंबर है 3/4, 3/4 जीरो, 30, 45, 60, 60 के लिए हम लोग लिखेंगे 3/4। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो √3, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि साइन 60 का मान हो गया √3/2। अब 90 आता है, 90 हमारा पांचवा उंगली होगा। देखिए 0, 30, 45, 60, 90, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, क्या ले रहा है हमको 4/4, 4/4 कट गया एक बार में, एक का वर्गमूल 1, यानी साइन 90 का मान 1। तो देख लिया ना, साइन का मैंने याद नहीं करना है, इसमें समझना है उंगलियों पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस तरह से साइन का हो गया। कॉस में रेसिप्रोकल चलना है, उल्टा चलना है। देखिए इस चित्र में हमने दिखा दिया है कि आप रेसिप्रोकल चलिएगा, तो रेसिप्रोकल चलिएगा तो कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल यानी कि यहां से उल्टा हो जाएगा, कॉस में रेसिप्रोकल चलते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि कॉस जीरो निकालना हो तो हम क्या चलेंगे 4/4। कॉस के लिए क्या होगा 4/4, 0 डिग्री में कॉस में लिख देते हैं, कॉस थीटा में उल्टा मान लेना है, उल्टा मान लेना है। अभी हमने उसमें 0/4 से शुरू किया था, तो इसमें किस चीज से शुरू करेंगे 4/4, तो 0 डिग्री के लिए देखो 4/4 कटेगा ना एक बार में दोस्तों, एक का वर्गमूल है, यानी कॉस 0 का मान क्या होता है 1 लिख लेंगे। उल्टा चलना है याद रखना, 0 के बाद आता है नंबर 30 डिग्री का, कॉस में उल्टा चलना है 4/4, उसके बाद किसका नंबर आएगा 4 पर से क्या आता है 3, 3/4, 3/4, 3 का तो वर्गमूल नहीं होता, उसी तरह से लिखा जाएगा अब 4 का वर्गमूल 2, तो कॉस 30 का मान हो गया √3/2। अब 30 के बाद किसका नंबर है 45, मैंने बोला कि कॉस में उल्टा चलना है 4/4, 3/4, अब किसका नंबर है 2/4, तो लिख लेंगे 2/4, कटाइए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में ही रह जाएगा, तो 1/√2, कॉस का हो गया 45। अब 45 के बाद आता है 60 डिग्री, 60 के लिए उल्टा चलना है 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, यानी 60 के लिए होगा कॉस में 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, यानी कॉस 60 का मान हो गया 1/2। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, अब आप लोग को रटना नहीं है, अब समझ लीजिए परीक्षाओं में बहुत जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे। अब आता है 90, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, अब क्या होता है 0/4, लिख लेंगे 0/4, किसी चीज में 0 से भाग करने पे 0 हो जाता है, 0 का वर्गमूल 0, तो इसलिए 0 हो गया। इस तरह से साइन कॉस भर लिए। अब मान लो हमको टैन निकालना है, अब सर जी से कहेंगे सर जी आप तो दो को बता दिए इन तरीका पे टैन कैसे भरें, तो देखिए टैन को कैसे भरेंगे, अभी हमने पढ़ा टैन का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर हम टैन 0 लेंगे तो साइन 0 ले लेंगे, कॉस 0 ले लेंगे, तो साइन 0 का मान हमें याद है 0/4 0 होता है, तो 0 हो गया, और कॉस 0 का मान 1 होता है, किसी चीज में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो टैन 0 का भी 0 होता है, ठीक है दोस्तों। अब मान लो टैन 0 के बाद 30 लेना है, तो टैन 30 लेंगे तो यहां पे साइन 30 कर देंगे और कॉस 30 कर देंगे, कॉस 30 के लिए हमने बताया 0/4 1/4, यानी 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया दोस्तों। अब आ गया tan 30 के बाद मान लो tan 45 लिखना है, तो tan 45 लिखेंगे तो cos sin 45 लिख लेंगे, और नीचे cos 45 लिख लेंगे, sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, दोनों एक बार में कट गया तो tan 45 का 1 हो गया। अब मान लो tan 60 लिखना है दोस्तों, तो tan 60 लिखना होगा, तो हम लिखेंगे sin 60 और इधर लिखेंगे cos 60, tan 60 sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, दूसरे दो कट गया √3 आया, यानी tan 60 का मान √3 हो गया। अब 90 लिखना है दोस्तों, tan 90, tan 90 तो हो जाएगा यहाँ पे sin 90 और नीचे cos 90,
साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है। 0 से किसी चीज में भाग करने से इनफिनाइट आता है, क्योंकि 0 का पहाड़ नहीं होता है, तो ये अनंत हो जाएगा। चाहे इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, इस तरफ से टेन आ गया। अब हो गया 3 तक तो भर आ गया। अब पूछिएगा कि सर कॉसेक थीटा कैसे भरेंगे, तो मान लीजिए कॉसेक थीटा आ गया, अब इसमें कॉसेक 0 निकालना है। तो हम लोग कल पढ़ाए थे आप लोगों को कि कॉसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, 1/sin θ होता है। अगर कॉसेक 0 निकालना है तो 1/sin 0 कर लीजिए, तो साइन 0 का 0 होता है, तो 1/0 कीजिएगा तो 0 का तो कोई पहाड़ा नहीं होता है, तो इनफिनाइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कॉसेक 30 निकालना है, तो यहाँ पे 1/sin 30 कर लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, देख लीजिए 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 हो गया मान। अब कॉसेक मान लो निकालना है 45, तो कॉसेक 45 के लिए हम लिख लेंगे 1/sin 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यहाँ भर दीजिए, √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कॉसेक 45 का √2 होगा। अगर कॉसेक 60 लिखना है तो यहाँ पे 1/sin 60 कर लीजिए। साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से 2/√3 भर लीजिए। अब अगर आ गया कॉसेक 90, तो 1/sin 90, साइन 90 का 1 होता है, तो 1 हुआ, इस तरह से 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से मान लो sec का भरना है, तो हम लोग जानते हैं sec जो होता है 1/cos का उल्टा होता है। अगर sec 0 निकालना है तो 1/cos 0 निकालना है, cos 0 तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1/1 तो 1 आया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए sec 30 निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/cos 30। ठीक है, तो 1/cos 30, cos 30 का मान देख लीजिए √3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ये sec 30 का मान हो गया 2/√3। अब मान लीजिए लिखना है हमें sec 45, तो 1/cos 45, cos 45 का मान 1/√2 होता है, √2 ऊपर चला जाएगा, इसमें √2 भर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, sec 45 के बाद आता है sec 60, 60 तो 1/cos 60 कर लेंगे। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान √1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से आगे sec 90, तो हो जाएगा 1/cos 90, और 1/cos 90 का मान तो 0 होता है, और 0 का पहाड़ा नहीं होता, भाग करेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। अब मैंने एक डब्बा छोड़ दिया आपको करना है, बुक में यही डाटा बना के दिया रहता है और इसको याद करना रहता है। बहुत सारे लड़के इसको याद करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए इससे परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि साइन 30 का मान बताइए, साइन 30 का मान है, चार गो ऑप्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, पहला √3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए साइन 30 पूछा है ना, गौर से सुनिएगा कैसे। तो साइन में हमें 0 से लेके चलना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यही कॉस में पूछता है 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। अजय हमें बैठा लेना है कि रूट में रखना है ना, ये 0 होता है, ये 30 होता है, फिर 45, फिर 60, फिर 90, कितना क्वेश्चन में पूछा है साइन 30, तो पढ़िए 0/4, 1/4, क्या हुआ 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अब 1/2 30 का मान होता है, ऑप्शन देखिए 3 में है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये तो हुआ। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, परीक्षा में आया हुआ सवाल, 35 डिग्री का मान बताइए, 35 डिग्री का मान बताए, चार को ऑप्शन दे दिया √3, दूसरा ऑप्शन 1/√3, तीसरा ऑप्शन 1/√2, और चौथा ऑप्शन 1, 35 निकालना है। तो ये 0/4, 1/4, 2/4 जो सूत्र बताए वो सिर्फ साइन और कॉस के लिए है, टेन के तो लिए है नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला बेसिक जो है इसको याद रखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हमें क्या निकालना है, टेन 30, तो टेन 30 हो गया, तो यहाँ पे लगा लेंगे साइन 30 और कॉस 30। ठीक है दोस्तों,
साइन तीस के लिए पढ़ी, ये जीरो है 30 है 45 है 60 है 90 है। साइन में जीरो से चलता है, कॉस में चार से चलता है, तो जीरो बटा चार है एक बटा चार, तो एक बटा चार का वर्गमूल एक बटा दो, तो यहाँ भर लिए एक बटा दो। कॉस 30 पढ़िए, कॉस में चार से चलता है, तो चार बटा चार तीन बटा चार, तो तीन का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट तीन होगा चार का दो, इधर हो गया रूट तीन बटा दो, नीचे वाला से नीचे वाला कट गया एक बटा रूट तीन, यानी 33 का मान एक बटा रूट तीन। यानी कि अब आप इस सूत्र को इन पांचों उंगलियों पे नचाते रहिए, परीक्षा में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात डिग्रिया से मान पूछेगा आपका गलती नहीं होगा, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और इसका सही आंसर मारेंगे। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला को याद रखिए। फिर से मैं लास्ट में बोल देता हूँ, साइन के लिए जीरो बटा चार एक बटा चार दो बटा चार तीन बटा चार चार बटा चार लेना है, और कॉस में चार बटा चार तीन बटा चार दो बटा चार एक बटा चार जीरो बटा चार लेना है। रेसिप्रोकल चलना है एक दूसरे में, जेहन में बैठा लेना है कि रूट में लेके चलना है ना। तो इस तरह से आपका त्रिकोणमिति का लेक्चर जो था क्लास फॉर्मूलाओं का वो खत्म हुआ। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग चुटकियों में इसका आंसर परीक्षाओं में देंगे। अब अगले क्लासों में मैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन करूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। थैंक्स।